हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफरेंट लेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट वॉवल्स के साथ कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। मगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो की कॉन्टिन्यूएशन में है। उस वीडियो में हम ऑलरेडी ए टू एम लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन सीख चुके हैं एंड इस वीडियो को हम एन से स्टार्ट करेंगे। मैंने सारी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख दी है ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद एन। एन जब ए के साथ आता है तो प्रोनाउंस किया जाता है ना। एन जब ई के साथ आता है तो ने। एन जब आई के साथ आता है तो नी। एन जब ओ के साथ आता है नो। एन यू नो। नेक्स्ट लेटर है हमारा जिसको कि हम स्पैनिश में कहते हैं एनी। इस लेटर में और एन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एन के ऊपर एक्सेंट आ जाता है। तो जब एनी ए के साथ आता है तो साउंड आती है निया। एन जब एनी जब ई के साथ आता है तो नी है। एनी आई नी, क्योंकि आई की साउंड भी ई की हो जाती है तो वो पूरी ए की साउंड बन जाती है नी की। एनी ओ नियो। एनी बू नियो। नेक्स्ट लेटर है हमारा ओ। ओ ए ओ आ। ओ ई ओ ए। ओ आई ओ ई। ओ ओ ओ एंड ओ यू इज ओ। नेक्स्ट लेटर है हमारा पी। पी ए की साउंड होती है पा। पी ई पे। पी आई पी। पी ओ पो। पी यू पू। नेक्स्ट लेटर है हमारा क्यू। तो क्यू ए जब साथ में आता है तो का। क्यू ई के। क्यू आई की। क्यू ओ को। क्यू यू कू। नेक्स्ट लेटर इज आर। आर ए रा। आर ई रे। आर आई री। आर ओ रो। आर यू रू। नेक्स्ट लेटर है हमारा एस। तो एस ए सा। एस ई से। एस आई सी। एस ओ सो। एस यू सू। अब हम टी की बात करते हैं। टी ए जब आ जाता है तो ता। टी ई ते। टी आई ती। टी ओ तो। एंड टी यू तू। नेक्स्ट लेटर है हमारा ऊ। तो ऊ ए ऊआ। यू ई ऊए। यू आई ऊई। यू ओ ऊओ। एंड यू यू ऊ। नेक्स्ट लेटर है हमारा वी, जिसको कि हम स्पैनिश में कहते हैं ऊबे। तो ब की साउंड आती है। तो इसी तरह जब भी वी किसी और लेटर के साथ या किसी और वॉवल के साथ कंबाइन होकर आता है तो उसमें भी कभी भी वा की साउंड नहीं आती है, हमेशा बा की साउंड आती है। बा। लेट देखते हैं कैसे। जब हमारा वी ए आ जाता है तो बा होती है, वा नहीं होती, बा होती है। मैंने इसलिए हिंदी में लिख दिया ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बा। वी ई बे। वी आई बी। वी ओ बो। वी यू बो। नेक्स्ट लेटर है हमारा डब्ल्यू, जिसको कि हम कहते हैं डब्ल्यू पे, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन सिंपल है। डब्ल्यू ए वा। डब्ल्यू ई वे। डब्ल्यू आई वी। डब्ल्यू ओ वो। डब्ल्यू यू वो। नेक्स्ट लेटर है हमारा एक्स, जिसको कि एकिस कहा जाता है स्पेनिश में। तो क और स आ रहे हैं, आधा क आ रहा है, पूरा क नहीं आ रहा। तो ऐसे ही जब एक्स किसी और वॉवल के साथ आता है उसकी प्रोनाउंसिएशन में भी क आधा आता है। देखते हैं कैसे। जब एक्स ए है तो पूरा क नहीं आएगा प्रोनाउंस करने में, उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी कस। आधा क आएगा कस। एक्स ई को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो करेंगे कसे, पूरा क नहीं आएगा कसे। एक्स आई कसी, इसमें भी पूरा क नहीं है। एक्सो में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी शो की, शो। एंड एक्स यू इज क्सू। अब बात करते हैं वाई की। वाई ए या। वाई ई ये। वाई आई ई। वाई ओ यो। वाई यू यू। अब बात करते हैं जेड की। जेड ए सा। जेड ई से। जेड आई सी। जेड ओ सो। जेड यू सू। बट स्पैनिश में इसके अलावा भी तीन लेटर्स और हैं। तो जो तीन लेटर्स और हैं उसमें सबसे पहला लेटर है हमारा डबल एल,
जिसको कि स्पैनिश में दोबले एल्ले कहा जाता है, बट इसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज है। जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एल के साउंड कभी भी नहीं आएगी, हमेशा साउंड आएगी य की। तो अगर हमारा आता है डबल एल ए तो हम इसको या पढ़ेंगे, ला नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे या। डबल एल ई की आएगी तो ये, डबल एल आई यी, डबल एल ओ यो, डबल एल यू यू। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है एल की साउंड कभी भी नहीं आएगी, हमेशा आएगी या। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा डबल आर, जिसको स्पैनिश में कहा जाता है दोबले एर। अब डबल आर और आर की प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। अगर हमारा आ होता आर ए तो उसकी हो जाती रार, रे, री, आर ई की रे, आर आई की री, फिर आर यू की रू, आर ओ की रो। पर डबल एल जब, डबल आर जब आ जाता है हमारा डबल आर ए, तो इसको प्रोनाउंस करने में आप नॉर्मल नहीं बोल सकते रा। इसको प्रोनाउंस करने के लिए आपको अपनी टंग को थोड़ा सा रोल करना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा रा। थोड़ी सी टंग रोल कीजिए एंड फिर उसको प्रोनाउंस कीजिए रा, डबल एल के लिए, डबल आर के लिए। नेक्स्ट है हमारा डबल आर ई, तो ई प्रोनाउंस होगा रे, रे नहीं होगा रे। डबल आर आई री, डबल आर ओ रो, डबल आर यू रू। नॉर्मल आर नहीं है ये, इसको थोड़ा सा अपनी टंग को रोल कीजिए एंड फिर इसको प्रोनाउंस कीजिए। नेक्स्ट लेटर है हमारा सी एच, सी एच ए जब आता है तो चा, सी एच ई चे, सी एच आई ची, सी एच ओ चो, सी एच यू चू। तो हमारे लेटर्स फिनिश हो चुके हैं, बट स्पैनिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर नहीं है। दोनों चीज़ें स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन टोटली डिफरेंट है, तब उन वर्ड्स को देखते हैं। हमारा फर्स्ट लेटर है जी यू, फर्स्ट वर्ड है हमारा जी यू आई। अब कोई बिगनर इसे पढ़ेगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेगा गुई, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन गुई नहीं है। इस ऐसे वर्ड आ जाता है तो इसमें वर्ड में हमेशा यू साइलेंट होता है, तो यू साइलेंट हो गया, तो जी आई की प्रोनाउंसिएशन हमें पता है खी होती है, तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे खी, गुई नहीं पढ़ेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे हम खी। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा जी यू ई, इस वर्ड में भी यू साइलेंट हो जाता है तो जी ई बच जाता है, तो जी ई की साउंड हमें पता है क्या आती है, खे की साउंड आती है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यू यू ई, तो इस वर्ड में भी यू साइलेंट हो जाता है तो हमारी साउंड होगी के की, कुए नहीं होगी के होगी। नेक्स्ट लेटर भी, नेक्स्ट वर्ड भी क्यू यू आई, यू ए साइलेंट तो की हो जाएगी, कुई नहीं होगी। एज यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अभी हमने जितनी भी प्रोनाउंसिएशन सीखी हैं उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है जी ई एन टी ई, तो आप लोग को पता है जब जी ई साथ में आ जाता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है खे की, तो खे एन खेन। नेक्स्ट है हमारा टी ई, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई ते की, तो ये पूरा वर्ड बनेगा खेनते, खेनते का इंग्लिश में मीनिंग होता है पीपल, खेनते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, उसकी स्पेलिंग है सी यू एल टी यू आर ए, तो सी यू हो गया कू, कू के बाद एल है तो कुल। फिर है हमारा टी यू तू, कुल तू। नेक्स्ट फिर है हमारा आर ए रा, कुलतूरा, तो इस वर्ड को हम कैसे बोलेंगे, कुलतूरा। कुलतूरा का इंग्लिश में मीनिंग होता है कल्चर। नेक्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है ई एस पी ए एन ए ओ एल, तो ई एस हो गया हमारा एस, फिर पी ए हो गया हमारा पा, एस पा। नेक्स्ट है हमारा निए, निए के साथ जब भी ओ आ जाता है तो अभी हमने पढ़ा है निए ओ बन जाता है नियो, क्या बन जाता है नियो, नियो के बाद एल, एल है तो नियोल हो गया, नियोल। तो इस वर्ड को पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे एस्पानियोल, अगर एन के ऊपर एक्सेंट नहीं होता तो वो नॉर्मल एन होता तो उसको कैसे पढ़ते हैं, एस्पानोल, बट इस वाले एन के ऊपर एक्सेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे एस्पानियोल। इस वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग होता है स्पैनिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी एच ए ओ, तो सी एच ए आप लोग को पता है चा हो गया, उसके बाद ओ है तो चाओ, इस वर्ड को बोलेंगे चाओ, चाओ का मीनिंग इंग्लिश में होता है बाय। नेक्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है एल सी एल ई सी सी आई ओ एन, तो एल ही, एल ई हमें पता है ले हो गया, फिर उसके बाद सी है तो लेक हो गया, लेक।
फिर है सी आई, तो सी हो गया हमारा उसकी प्रोनंसिएशन, तो लेक्सी। उसके बाद है हमारा ओ एन, ऑन हो गया उसकी प्रोनंसिएशन, तो इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, लेक्सियन। आपको ओ के ऊपर एक एक्सेंट दिख रहा होगा, उस एक्सेंट का सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि ओ जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करो तो ओ के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए, तो इस वर्ड को हम कैसे बोलेंगे, लेक्सियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम ई एक्स आई सी ओ, तो इसको हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिको, स्पेनिश में भी मैक्सिको ही होना चाहिए क्योंकि एक्स आई की भी सी होती है, अभी हमने पढ़ा, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसको स्पेनिश में पढ़ा जाता है मैक्सिको, कुछ एक्सेप्शंस है, हर वर्ड के साथ ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन ही होगी, बट ये एक एक्सेप्शन है ये वाला वर्ड, तो इसको हम पढ़ेंगे मैक्सिको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स ओ एल ए, तो अभी हमने देखा है एक्स ओ को हम श कहते हैं, तो शो हो गया, तो और एल ए तो ला हो गया, एल ए ला, तो शोला। नेक्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है हमारी एल एल ए वी ई, तो एल एल जहाँ हम आ जाता है हमें पता है वहाँ य की साउंड आती है, ल की नहीं आती, य की आती है, तो डबल एल ए हो गया, तो या की साउंड आ गई। फिर है हमारा वी ई, तो वी की, ई की भी हमें पता है व नहीं आता, ब आता है, तो वी की साउंड, वी ई की साउंड हो गई बे, तो इस वर्ड की, इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, याबे। याबे का मतलब होता है इंग्लिश में की, तो इस वर्ड की प्रोनंसिएशन हो गई याबे। नेक्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है हमारी पी ई आर आर ओ, तो पी ई हो गई पे, डबल आर ओ रो, तो इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पेर्रो। पेर्रो, पेरो नहीं, पेर्रो। पेर्रो का मतलब इंग्लिश में होता है डॉग। तो ये थी गाइस वीडियो प्रोनंसिएशन ऑफ लेटर्स विद डिफरेंट वॉवल्स के ऊपर। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड इससे वाली वीडियो ज़रूर देखें जो इससे पहले पार्ट वन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।